हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट पर वीडियो बनाने वाला हूं और कंटेंट है SMPS क्या होता है, SMPS का उपयोग कहां करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, ये मेरे पास SMPS है और ये मैं MW मैनुअल मेक का SMPS है। और इसके इनपुट वोल्टेज की बात करें तो ये 120 वोल्ट एसी सप्लाई पर वर्क कर सकता है और 220 से लेकर 240 वोल्ट एसी सप्लाई पर वर्क कर सकता है। और जब हम 110 से 120 वोल्ट रखेंगे तो उस कंडीशन भी इसका एम्पियर रेटिंग दी हुई है 3.2 एम्पियर लेगा, और जब हम 220 से 240 वोल्ट पर रखेंगे तो 1.6 एम्पियर लेगा। ये दोनों ही पावर पे काम कर सकता है, 110 से 120 वोल्ट एसी पर भी और 220 से 240 वोल्ट एसी पर भी। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 50 से 60 HZ फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है और ये आउटपुट में हमें 24 वोल्ट DC सप्लाई देगा। और ये मेड इन चाइना मेक का SMPS है और इस पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं भाई। 110/230 वोल्ट इनपुट वोल्टेज कैन बी सेलेक्टेड बाई स्विच चेक इनपुट वोल्टेज अवॉइडिंग डैमेज बिफोर पावर ऑन। यानी कि हमें जिस पर भी सेलेक्ट करना है, चाहे 110 से 120 वोल्ट एसी या 220 से 240 वोल्ट एसी, हमें पहले ही सेलेक्ट कर लेना है, लगाने के बाद सेलेक्ट नहीं करना है। इसमें ऑप्शन के बारे में भी मैं बताऊंगा भाई कहां से सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप ये रेड कलर का इंडिकेशन देख रहे हैं, यहां पर टेस्टर की मदद से हम इसे 110 से 120 वोल्ट पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और 230 पे अभी हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम SMPS की जो कनेक्शन के बारे में बात करेंगे भाई। इधर साइड में हम इसके कनेक्शन देते हैं तो यहाँ पर L लिखा हुआ है और ये साफ लिखा हुआ भी AC। L का मतलब लाइन, यहाँ पर हम फेज देंगे, यहाँ पर N लिखा हुआ है, यहाँ पर हम न्यूट्रल देंगे और यहाँ पर अर्थिंग का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पर हम अर्थिंग कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा इनपुट। अब हम आउटपुट की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव के सिंबल दिए हुए हैं, दो नेगेटिव हैं और दो पॉजिटिव हैं। तो ये आउटपुट में हमें दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव पॉइंट देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज एडजस्ट का भी ऑप्शन हमें दिया हुआ है। यहाँ हम टेस्टर की मदद से ये जो नोब दी हुई है एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारा ग्रीन कलर का इंडिकेशन भी दिया हुआ, जब हम इसमें सप्लाई दे देंगे तो ये यहाँ इंडिकेशन हमारा बिलिंग करेगा। अब हम दोस्तों SMPS की फुल फॉर्म के बारे में बात करें भाई, SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इसका उपयोग हम AC सप्लाई से DC सप्लाई कन्वर्ट करने के लिए या DC से DC कन्वर्ट करने के लिए या DC से AC कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। दोस्तों ये अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि ये हमारा 24 वोल्ट DC आउटपुट का है, इनपुट में हम AC दे रहे हैं, और हमारा 12 वोल्ट का भी आता है। और ये कई प्रकार के होते हैं भाई, हम AC से DC कन्वर्ट कर सकते हैं, DC से DC कर सकते हैं और DC से AC भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ये कमेंट अवश्य करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस इक्विपमेंट पर चाहते हैं। और दोस्तों हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है, जो भी साथी हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर संपर्क करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।